हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सो एस इन एट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए यूनिट टेन हायर एजुकेशन सिस्टम में एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यही क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए साथ ही स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप लोग करेक्ट आंसर को बहुत इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में तक बने रहिएगा मैं श्योरिटी आपको देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये पर्टिकुलर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सेशन so, पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर यूजिसन प्रेपरेशन के लिए फाइनल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं जिसमें आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आप लोगों के फटाफट से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए अपडेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं सो so, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ सिक्स डबल नाइन फीस आपको एक ही बार पे करनी है एज इट इज इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम से पहले इसको भी अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अलावा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्री वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है स्टोर सेक्शन पर जाइए सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है कोर्स का ओवरव्यू देखने के बाद आप जैसे कॉन्टेंट सेक्शन पर क्लिक करते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स यहाँ पर है फ्री वीडियोज अवेलेबल है 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगी एंड ये कंप्लीट कोर्स भी आप लोगों की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाने में मदद करेगा सो यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया का हमारा पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद एंड बिकेम सेंटर ऑफ ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन देयर लोकेशन सो पर कहा गया है कि प्राचीन काल में जो भी यूनिवर्सिटीज होती थी ठीक है जो कि टेम्पल्स से रिलेटेड थी एंड अब वो सेंटर ऑफ कम्युनिटी बन चुके हैं ठीक है यानी कि ये सामुदायिक जीवन के केंद्र बन चुके हैं सो so, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी तो सबसे पहले आता है नवदीप और दूसरा आ जाता है बनारस यूनिवर्सिटी ठीक है सो करेक्ट आंसर है बी एंड डी सो एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो टेम्पल्स के कनेक्शन के साथ बनाई गई थी एंड दे बिकम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ अब बनारस या वाराणसी जो है इसको आप लोग काशी के नाम से भी जानते हो ये आपको पता होगा तो ऑप्शन में बनारस वाराणसी या काशी कुछ भी लिखा होगा ठीक है ये एंशियंट टाइम्स में पुराने समय में एक बहुत ही अच्छा लर्निंग का सेंटर माना जाता था एंड अगर हम लोग नवद्वीप की बात करें तो इसको नव नवद्वीप भी बोला जाता है नवद्वीप भी बोला जाता है ठीक है ये वेस्ट बंगाल में ही एक सिटी है एंड ये भी सेंटर ऑफ लर्निंग है जहां पर कल्चर और अपने रीजन के बारे में सब कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था और ये दोनों ही नाइनटीज की यूनिवर्सिटीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है

सो so, पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें जो बोला है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला ऑफ इंडिया आर नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी इसमें कहा गया है कि इंडियन टेरिटरी में ये सारी यूनिवर्सिटीज अब लोकेटेड हैं ऐसा नहीं है सो so, इसके लिए आप लोगों को जानकारी किसकी होनी चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी पहले कहां पर थी और अब कहां पर है इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जब बनी थी तो इंडिया में थी लेकिन जब इंडिया का विभाजन हुआ तो उनको किसी दूसरी कंट्री में वो ट्रांसफर हो गई ठीक है सो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए सो सबसे पहले अगर हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये आपके वेद हिंदू बुद्धिस्ट सेंटर का लर्निंग माना जाता था ठीक है एंड लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जितनी ये वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी एंड uh, महाविहारा एंशियंट महाविहारा नालंदा को बोला जाता था ठीक है बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री इट इज अस्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दैट ऑल्सो सर्व एज अ रीओन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग ठीक है सो ये पहले कहाँ पर थी मेगाधा जिसको भी बिहार के नाम से जाना जाता है ये पहले वहां पर थी नालंदा यूनिवर्सिटी ओके इसके अलावा एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अगर हम बात करें जो मैंने आपको कहा नालंदा में थी वो नालंदा में थी नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी बिहार में ही है वो पहले से वहीं पर थी ठीक है यूनिवर्सिटीज जो है नालंदा ये भी बिहार में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले इंडिया में थी अब वो पाकिस्तान में जा चुकी है ठीक है ये क्या थे एजुकेशन के सेंटर थे जहां पर स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में से आते थे पढ़ने यहाँ पर फिलोसफी मैथमेटिक्स मेडिसिन अर्थमेटिक ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी सो यहाँ पर ये यह जो बोला है ना कि इंडिया में है तो वो सिर्फ तक्षशिला की वजह से ही वो स्टेटमेंट गलत हो गई है क्योंकि तक्षशिला अभी कहाँ है पाकिस्तान में है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग एरिया ऑफ लिबरल एजुकेशन एट दी हायर लेवल ऑफ फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वर्ल्ड क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रिवियम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रीवियम होता क्या है ठीक है यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज ठीक है चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था सो so, क्वाड्रम का मतलब है जैसे देखो चतुर्भुज यानी कि चार इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें चार सब्जेक्ट्स होते हैं सो so, इसमें चार सब्जेक्ट किसके रिलेटेड होते थे आर्ट से रिलेटेड होते थे जिसमें कि आपका पहला अर्थमेटिक आ जाता था दूसरा आता है जियोमेट्री तीसरा आता है एस्ट्रोनोमी और चौथा आ जाता है यहाँ पर म्यूजिक ठीक है सो क्वाड्रिवियम में चार सब्जेक्ट्स आते हैं आर्ट्स के इन चारों सब्जेक्ट का नाम ये है दिस क्वाड्रिवियम सिस्टम फॉलोड बाय ट्रिवियम ग्रामर लॉजिक ये सब कुछ चीजें इसके अंदर आती थी ठीक है so, सो इतना ही याद रखिए सो so, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिबरल एजुकेशन यूरोप में सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था तो ये चार पॉइंट्स मैंने बता दिए सो करेक्ट आंसर क्या है अर्थमेटिक मैंने बताया एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया म्यूजिक बताया और पहला ऑप्शन क्या था ज्योमेट्री ठीक है सो वो यहां पर नहीं है आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय सो so अष्टाध्यायी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा अगर आप लोगों ने वेद पुराण और या इस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते हो सो आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पानिनि के द्वारा लिखी गई थी ठीक है वैसे ही आप लोगों को बाकी सबके भी पता होने चाहिए जैसे कि अगर हम चाणक्य की बात करें ठीक है चाणक्य वो आ, नेम ऑफ राइटर है चाणक्य राइटर को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं ओके चाणक चाणक सॉरी चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य एंड ये वैदिक स्कॉलर थे कहां से पढ़े हुए थे ये तक्षशिला से पढ़े हुए थे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चाणक्य हैं वो कहाँ से पढ़े हैं तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं बेसिकली ये इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं क्योंकि अर्थशास्त्र आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द अर्थशास्त्र क्या होता है द साइंस ऑफ मेटीरियल गेन अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था इसकी वजह से चाणक्य इतने फेमस थे अगर हम लोग जीवाका की बात करें इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के ये के लिए ये जाने जाते थे ठीक है कात्यायन जो है ये आप लोगों के जाने जाते थे जितने भी देखो गौतम बुद्ध के जो डिसिप्लिन थे उन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था इसलिए कात्यायनों को बहुत बहुत ही फेमस थे ठीक है पानिनी की बात की है हमने तो वो है अष्टाध्यायी के लिए फेमस ठीक है और पानिनी कौन थे ये संस्कृत साइको फिलोसफिस्ट थे एंड ग्रामेरियन थे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी चीफ सेंटर ऑफ फॉर एडवांस इन न्याय एंड लॉजिक यूनिवर्सिटी है जिसमें न्याय और तर्क की शिक्षा दी जाती थी तो वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन नंबर टू मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो इंडिया में बहुत सारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज है जिसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती थी सो so, न्याय और तर्क के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होती थी अभी भी ऐसा होता है ना कि किसी कोर्स स्पेसिफिक कोर्स के लिए अगर जाना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको पता लगता है कि इस कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है वैसे ही यहां पर चीजें होती थी ठीक है तो अगर हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें सो इट फेमस फॉर ब्रहानिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी ठीक है राजा जनक जो आपने सुने थे पढ़े होंगे जरूर राजा जनक के बारे में सीता माता के जो पिता थे राजा जनक उनके समय में ये यूनिवर्सिटी बनी थी जितने भी ऋषि थे और भी लर्नर्स थे वो सब इस यूनिवर्सिटी में आकर के आर्ट, साइंस, वेद न्याय शास्त्र इन सब के बारे में पढ़ाई किया करते थे वहीं अगर हम लोग बात करें जगदला यूनिवर्सिटी के बारे में सो इट वॉज सेटअप बाय पाला किंग रामपाल इन अर्ली इलेवेंथ सेंचुरी ये कहाँ पर है ये नॉर्थ बेंगाल में है पहले थी नॉर्थ बंगाल में थी अभी ये कहाँ पर आ गई है बांग्लादेश में कंसीडर की जाती है ये यूनिवर्सिटी ठीक है इसमें आपको संस्कृत पढ़ाई जाती थी संस्कृत के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी एंड स्पेशल सब्जेक्ट जो थे इसके एक तो मैंने आपको संस्कृत बता दिया दूसरा है बुद्धिज्म इसका स्पेशल सब्जेक्ट है वाज्यायना भी इसका एक फेमस सब्जेक्ट है जो कि इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जगादला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अगली यूनिवर्सिटी है नादिया विश्वविद्यालय इसको नवदीप मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया उस यूनिवर्सिटी का नाम नादिया भी है ठीक है ये कहां पर है इट इज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ गंगा जंक्शन ऑफ गंगा में ये लोकेटेड है जलांगी रिवर्स इन बंगाल ये दो जगह दो बैंक्स के साइड पर ये है एंड इट वाज सेट अप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला सो नालंदा एंड तक्षशिला के बाद ये वाली यूनिवर्सिटी आई थी इसमें लॉजिक पॉलिटिक्स लॉ ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी ठीक है लॉजिक शास्त्र इसमें करवाया जाता था राजनीति पढ़ाई जाती थी लॉ पढ़ाया जाता था नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी इट वॉज द किंग्स ऑफ मैत्रा का डेस्टिनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था किस चीज के लिए ये फेमस थी सो so, ये थी इकोनॉमिक्स लॉ पॉलिटिक्स मेडिकल साइंस बुक कीपिंग लिटरेचर व्याकरण बुद्धिज्म इन सब चीजों के लिए वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी मानी जाती थी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दू की यूजेसी नेट पेपर वन के साथ साथ पेपर टू पर ध्यान दीजिए पेपर टू ऑलरेडी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है बट लेवल जो है यूजीसी नेट का वो थोड़ा डिफरेंट होता है सो so, यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग ये स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे

नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम्स ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ठीक है प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित थे अब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत कॉमन सी चीज हो गई है लेकिन उस जमाने में भी नालंदा यूनिवर्सिटी का इकलौती ऐसे एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होता था ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है जो कि गुप्ता एम्पायर के समय पर बनाई गई थी सिक्स सेंचुरी में सिक्स सेंचुरी में ये बनाई गई थी ठीक है गौतम बुद्ध इज ऑल्सो बिलीव टू हैव डिलीवर्ड सरमोन्स एट नालंदा सो गौतम बुद्ध ने भी यहां पर जो है इससे रिलेटेड है वो भी ठीक है ये इतनी फेमस यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ पर ना चाइना कोरिया जापान टर्की श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया यहाँ सब जगह के लोग पढ़ने आया करते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर इसीलिए होता था अब नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है देखो सिक्स सेंचुरी में ये बनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्वेल्थ सेंचुरी के एंड तक नालंदा यूनिवर्सिटी को मुस्लिम आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ठीक है उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था लेकिन कुछ समय बाद इट वॉज एक्सकेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई ठीक है उसके बाद क्या हुआ सिक्स सेंचुरी में ये बनी ट्वेल्थ सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दी गई उसके बाद नाइनटीन सेंचुरी में इसको वापस से शुरू कर दिया गया ओके Ganga, सो रिवर गंगा के किनारे पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ठीक है ओके सो okay, so, ये सबसे ज्यादा जो तंत्रिज्म होते हैं ना तंत्र मंत्र जो होते हैं उसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके रिगार्ड में एक चीज नोट कीजिएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी है ये जिसमें हॉस्टल्स बनाए गए थे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी ये थी ठीक है next time the reporter of which of the following education commission carries the subtitle education for national development एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट ये कोठारी कमीशन के द्वारा बताया गया था ओके okay? सो so, कोठारी कमीशन कब से कब तक हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरी कोठारी जितने भी इम्पोर्टेंट कमीशन वाली वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख लीजिए या फिर मुझे कॉमेंट कर दीजिए मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी सो so, देखो कोठारी कमीशन नाइनटीन से लेकर के सिक्सटी के बीच में लागू हुआ था ठीक है इंडियन एजुकेशन कमीशन इज मोस्टली पॉपुलर एस कोठारी एजुकेशन को ही बोला जाता था ये सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देता था ठीक है एंड सिक्सटी फोर मैंने बताया सो एग्जैक्ट डेट वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती लेकिन फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसको चालू किया गया था ठीक है एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं इसमें कहा जाता था कि सब पर ध्यान दिया जाए सो so, इसीलिए इन्होंने टैग दिया था कि एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट ठीक है यानी कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा इसमें कहा जाता था कि एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं सब पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए मुदलियार कमीशन जो है ये क्या है ये सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन नाइनटीन फोर्टी एट से लेकर के नाइनटीन फोर्टी नाइन के बीच में ये था अब होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ रिप्लाई कीजिए कॉमेंट करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बना था बाकी ईयर मैंने बता दिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन मुझे बताइए ठीक है फटाफट अगर आंसर नहीं आता तो भी कमेंट करके बताइए आप लोगों की ही रिवीजन होगी इससे ओके सो अगला है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग इट इज फ्लोरिश ड्यूरिंग वेदिक एंड उपनिषद पीरियड ओके okay? तो so, वेद काल जो था जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था गुरुकुल गुरु मतलब टीचर कुल मतलब घर टीचर के घर में जाकर बच्चा वहां पर रहता था पढ़ता था आश्रम में जैसे रहते हैं वहां पर उनको डिसिप्लिन और अपने जो वेद हैं पुराण है उसके बारे में पढ़ाया जाता था नेक्स्ट लर्निंग इन इंडिया सो अभी मैंने आप लोगों को बताया ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट कौन सा है ओल्डेस्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की बात की है ना कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं इंडिया का ओल्डेस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कौन सा है विच एंशियंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज नोन फॉर इट्स नोन फॉर इट्स फोकस ऑन दी ऑफ मेडिसिन सो मेडिसिन मेडिकल की पढ़ाई सबसे पहले कहाँ पर करवाई जाती थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही करवाई जाती थी एग्जाम में इट इज आएगा कि किस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या थी विच ऑफ दब्जेक्ट्स वॉज नॉट टॉट एट एंशियन इंडियन यूनिवर्सिटी सो कौन से सब्जेक्ट उस समय पर नहीं पढ़ाए जाते थे तो वो है बायोलॉजी मैथ फिलोसफी एस्ट्रोनॉमी वेद पुराण अपने ग्रंथ ये सब पढ़ाए जाते थे बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता था कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन और तर्क के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था सो बुद्धिस्ट फिलोसफी और लॉजिक के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने आपको अभी भी दो तीन बार बताया कि बुद्धिस्ट की बात होगी तो डायरेक्टली गो फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी हु वॉज द फेमस एंशियंट इंडियन फिलोसफर हुई स्कूल ऑफ थॉट सो न्याय फिलोसफी न्याय स्कूल जो है आपका जो चैप्टर है यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर भी ये आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्योर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा न्याय फिलोसफी से सो so, कौन थे न्याय स्कूल ऑफ़ थॉट के फाउंडर, uh, वो थे गौतम बुद्ध ठीक है अगला क्वेश्चन है इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर इट्स टीचिंग ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड लिटरेचर कहाँ पे संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता था तो वो है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी ये स्पेशलिटी है इन यूनिवर्सिटीज की शंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वॉज नोन फॉर इट फोकस ऑन स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग सो लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि तर्क और रीजनिंग कहां पर सिखाई जाती थी वो है न्याय यूनिवर्सिटी नेक्स्ट इज which ancient इंडियन यूनिवर्सिटी was लोकेटेड इन प्रेजेंट day गुजरात एंड was known फॉर इट्स टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी सो यहाँ पर गणित और भूगोल विज्ञान के लिए कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी है Ancient इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में है सो so, इस यूनिवर्सिटी का नाम है वल्लभ ही यूनिवर्सिटी देखो इसी क्वेश्चन से आपकी कितनी चीजें क्लियर हो गई कि वल्लभ ही यूनिवर्सिटी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस थी एंड ये गुजरात में है और इंडियन ancient यूनिवर्सिटीज में से एक है एक ही क्वेश्चन से आपकी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम सो इट इज एम्फसाइज़ ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स प्रैक्टिकल चीजों को सिखाया जाता था सभी के लिए समावेशिता और पहुंच होती थी छात्रों के बीच सहयोग कोऑपरेशन और कोलेबोरेशन बच्चों को सिखाई जाती थी कि कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना है काम करना है और ये सब चीजें So, संस्थान ऐसा, ऐसा था जो राजनीति और शासन के बारे में बताता था तो वो थी तक्षीला यूनिवर्सिटी लिस्ट बना लीजिए हर एक यूनिवर्सिटी के नीचे लिखते रहिए किस किस चीज के लिए ये फेमस थी और क्या क्या वहां पर स्पेशल होता था और कहाँ पे ये है इंडिया में अब कहाँ है पहले कहाँ थी जैसे एक यूनिवर्सिटी मैंने बताई पहले इंडिया में थी बाद में वो पाकिस्तान में होगी पहले बंगाल में थी उसके बाद वो अभी बांग्लादेश में है ठीक है विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर टीचिंग ऑफ जैन फिलोसफी एंड लिटरेचर ठीक है सो यहाँ पर जैन दर्शन और साहित्य का शिक्षण कहाँ पर दिया जाता था वो दिया जाता था शारदा पीठ यूनिवर्सिटी में एक और होमवर्क क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पहले भी आ चुका है आगे भी आएगा वो ये है कि शारदा पीठ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बस मुझे लोकेशन बता दीजिए स्टेट बता दीजिए कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी विच एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर इट्स टीचिंग ऑफ दी मध्य मका एंड योगाचरा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी सो करेक्ट आंसर है नालंदा विच एंशियंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ आयुर्वेदा तो सबसे ज्यादा आयुर्वेदा कहाँ पर पढ़ाया जाता था उस जमाने में सो so, वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी अब आप सभी ने बाबा रामदेव का नाम जरूर सुना होगा ठीक है तो वो क्या करते हैं वो योगा सिखाते हैं ठीक है सो so, एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि इंडिया की पहली योगा कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर योगा सिखाया जाता है तो वो है पतंजलि यूनिवर्सिटी बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी एंड जो कि हरिद्वार में है उत्तराखंड में हरिद्वार है वहां पर ये यूनिवर्सिटी है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं पड़ा कमेंट कीजिए जैसे ये रिक्वेस्ट पूरी की है वो वाली रिक्वेस्ट भी पूरी करके फटाफट आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी NEP 2020 ट्वेंटी कंसेप्चुअलाइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया देखो 2020 में आया है NEP वो एंशियंट इंडिया के साथ रिलेटेड है

टीचिंग जो होती थी एंशियट यूनिवर्सिटीज में वो ज्यादातर कैसे पढ़ाया जाता था उस वक्त कंप्यूटर इंटरनेट ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड ये कुछ भी नहीं होते थे तो स्टोरी की तरह कहानी की तरह दृष्टांतों की तरह यानी कि रोल प्ले टाइप्स कुछ एक सामने दृश्य बनाया जाएगा पूरा आपके सामने उस तरीके से बच्चों को पढ़ाकर चीजें याद करवाई जाती थी अगला है विच एंशियंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी सो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता था तक्षशिला में होता था सो so, स्टूडेंट्स ये थे आज के के साथ आपको बिल्कुल clear idea हो गया है कि, कि किस यूनिवर्सिटी में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे किस पर्टिकुलर चीज के लिए वो फेमस थी अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू